हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? हाँ, आशा करता हूँ आप सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। पढ़ते लिखते रहो, बढ़िया अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है? अपने माता पिता का नाम रोशन करो। और भैया, जो जो वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, उन वीडियोस को देख करके इस चैप्टर को अपना स्ट्रेंथन करते रहो, ठीक है? तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या बातें कर ली थी? हम लोगों ने लास्ट क्लास तक बात की थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं में कैसे होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसकी फेजेस जानी थी कौन कौन होती हैं, ठीक है? उसका एक ओवेरियन रिस्पेक्ट में हमने ग्राफ पढ़ा था, उसका पिट्यूटरी रिस्पेक्ट में हमने ग्राफ पढ़ा था, उसका हमने यूटराइन एक्टिविटीज़ के रिस्पेक्ट में हमने ग्राफ पढ़ा था, और उसके अलावा फॉलिकुलर डेवलपमेंट और कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन देखा था, है ना? तो इतनी सब चीज़ों के बाद हमारा ये टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल का ख़त्म हुआ था। तो आज जो है हम लोग उसके आगे बढ़ के फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की बात करेंगे। देखो, हमने 6 स्टेप बताए थे तुमको। कौन कौन से 6 स्टेप? सबसे पहला था भैया गेमेटोजेनेसिस, फिर था सबसे पहला कौन सा था? गेमेटोजेनेसिस, फिर था इंसेमिनेशन, फिर क्या था? फर्टिलाइजेशन, फिर था इम्प्लांटेशन। पहले दिन बताया था गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी यानी जेस्टेशन, और फिर पार्चुरेशन। तो इन 6 से मिलकर के ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर बना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, ठीक है? तो जो फर्टिलाइजेशन है, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। डेफिनेशन क्या है फर्टिलाइजेशन का? मतलब ये है कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का मिलना। जब मेल गेमिट फ्यूज़ करता है फीमेल गेमिट से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। चलो देखते हैं। देखो ह्यूमन के केस में फीमेल गेमिट जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब क्या है? स्टेशनरी है, एक जगह पर स्थिर रहते हैं, वो चल फिर नहीं सकते। वहीं मेल गेमिट्स जो हैं वो उनके पास टेल होती है और माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करके अपनी मोटिलिटी को दर्शा सकें, ठीक है? तो अब भैया, जब मोटिलिटी को दर्शाएंगे स्पर्म, तो मोटाइल भैया ओवम तो हुआ है नहीं, लेकिन स्पर्म मोटाइल है। जब स्पर्म की बात की थी तब ये बताया था ना, ठीक है? तो भैया देखो, जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं? तैरते हैं। कहाँ तैरते हैं? वेजाइना, फिर सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से एम्पुलरी रीजन, और रीच टू द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, ये भाई साहब, ये आपकी जो है एक फैलोपियन ट्यूब दिखाई है, ये एक फैलोपियन ट्यूब है, ठीक भाई साहब? चलो, और वहाँ पर भी कहाँ? इसके एम्पुलरी रीजन पे। ये एम्पुलरी रीजन है भैया, जो फूला हुआ संरचना, फूला हुआ भाग देख रहे हैं ओविडक्ट का या फैलोपियन ट्यूब का, ये एम्पुलरी रीजन है, ठीक? अच्छा, सेकेंडरी ओसाइड जो है, देखो ध्यान देना, हमने बताया था कि सेकेंडरी ओसाइड रिलीज होती है कब? ओवम रिलीज नहीं होता। ओवम कब बनता है? जब स्पर्म उससे फ्यूज करता है। जोनालाइसिन होती है, जोनालाइसिन होता है ना, तो जोनालाइसिन जब पेनिट्रेट कर देता है जोना प्लेसिडा को, तब स्पर्म में, एक्रोसोम में दो हार्मोन बताए थे, हाइलुडिनरेज और जोनालाइसिन। तो जोनालाइसिन जब जोना प्लेसिडा को पेनिट्रेट कर देती है और स्पर्म अंदर न्यूक्लियस अपना छोड़ देता है, तब एक्टिवेशन ऑफ एग होता है और असल में ओवम बनता है, ठीक? चलिए आइए ध्यान देते हैं। सेकेंडरी ओसाइड जो अब तक थी वो रीच करती है कहाँ पे? देखो, 14वें दिन सेकेंडरी ओसाइड निकली, कल हमने बात की। अब इसके बाद क्या की? कहाँ पर? सेम प्लेस, यानी एम्पुलरी रीजन में। किसके? फैलोपियन ट्यूब के, ठीक? फ्यूजन एट एम्पुलरी रीजन। फ्यूजन होता है कहाँ पर? एम्पुलरी रीजन में। जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी उसमें लिखा होगा एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे होता है, यानी एम्पुला और इस्थमस। एम्पुला यानी मोटा पार्ट, ये जो फूला हुआ है, इस्थमस यानी ये सकरा वाला पार्ट, इनके जंक्शन पे होता है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है? कहाँ पर होता है भैया? एम्पुलरी रीजन पे होता है। नई एनसीईआरटी ये बात लिखती है तो आपको एग्जाम में ये बात ही लिख के आनी पड़ेगी। और यहाँ पर कब होता है? जब दोनों साइमल्टेनियसली पहुँचते हैं। कौन कौन? स्पर्म और सेकेंडरी ओसाइट एक साथ पहुँचेंगे ना, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। हमने एक बात की थी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा था। चलो एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करके बताना। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्लासेस से ही है, बताना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बताया था, अगर फीमेल जो है वो जल्दी मैच्योर हो जाए और मेल अभी एंथर ना निकाल पाए, तो उस कंडीशन को, या इसका वाइस वर्सा, यानी मेल जल्दी अपने एंथर से इस वो पॉलन ग्रेन रिलीज कर दे, लेकिन फीमेल अभी
उसकी स्टिग्मा रिसेप्टिव ही ना पाए हो पाए, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ये एग्जांपल, ये आंसर कमेंट करके देखो, जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, जो इससे कुछ सीख रहे हैं, वो इसका आंसर कमेंट में दें। और ये क्वेश्चन भैया, ये फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का क्वेश्चन एकदम आराम से लॉन्ग आंसर में आ सकता है आपको, कि फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में पूरी एक विस्तृत व्याख्या करें, ठीक है? तो आप ये, आपको हम लॉन्ग आंसर में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स भी बता देंगे, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। 20 क्वेश्चंस आपके ओएमआर वाले हैं ना, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं। अब जब साइमल्टेनियसली पहुंचेगा, मतलब इधर से ओवम पहुंचे और यहाँ पर वजाइना है, तो देखो भैया, देखो देखो, हमने बताया था कि जब मेल पेनिट्रेट करता है फीमेल की वजाइना में, तभी वो स्पर्म्स को छोड़ पाता है। जब पेनिट्रेट किया, वेजाइना में पेनिट्रेट किया, तब स्पर्म को छोड़ा। अब स्पर्म छोड़े तो कहाँ से छोड़े? वेजाइना पे छोड़े, मान लो यहाँ पर वेजाइना थी, यहाँ वेजाइना में छोड़े, ठीक। अब ये वेजाइना से तैरते तूरते हुए इस रास्ते यहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है? तो ये बात बता रहा हूँ कि साइमल्टेनियसली पहुँचने का मतलब क्या है। यहाँ से ये आए और यहाँ से ये आए, ये साथ में अगर यहाँ पर मिलेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा, तभी प्रेगनेंसी होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक। अच्छा, स्पर्म जो है जैसे ही कांटेक्ट में आता है किसके? जोना पेलुसिडा के। भैया देखो, ये लेयर, ये तुम्हारी वो थी, क्या कहते हैं, ओवम। तो ओवम में दो लेयर होती हैं, एक होती कोरोना रेडिएटा और दूसरी होती जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा बाहर वाली एसेल्युलर लेयर है और कोरोना रेडिएटा अंदर की लेयर है, जो एक्चुअल में सेकेंडरी ओसाइट की कवरिंग है। कोरोना रेडिएटा उसको उसको तोड़ करके अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही जोना पेलुसिडा के टच में आया कौन, स्पर्म, वैसे ही क्या हुआ, उसकी मेम्ब्रेन में चेंज हुआ। मतलब ओवम की मेम्ब्रेन में चेंज हुआ, ओवम की मेम्ब्रेन में चेंज क्या हुआ कि भैया स्पर्म आ गया, अब इसके बाद हमको दूसरे स्पर्म को एंट्री नहीं देनी है। तो खुद से सोचना, अगर एक स्पर्म आकर के फर्टिलाइज किया ना, अब दूसरा स्पर्म भी आके फर्टिलाइज करेगा, तो इसका हैप्लॉइड एन, इसका हैप्लॉइड एन और इसका हैप्लॉइड एन, ये तीनों मिलके 3N नहीं हो जाएंगे, प्लॉइडी गड़बड़ा नहीं जाएगी। इसलिए इसलिए भैया क्या होता है, जो जैसे ही स्पर्म आकर के जोना पेलुसिडा को टच किया, वैसे ही उसकी मेम्ब्रेन यानी कोरोना रेडिएटा अपने में कुछ चेंज लाती है और कह देती है कि भैया अब किसी भी स्पर्म को, किसी भी एक भी नग स्पर्म अंदर नहीं आएगा। अब भैया जित एक आ गया है, अब कोई भी यहाँ पर फटकना नहीं, ठीक। तो ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो कई सारे स्पर्म बाहर हैं, लेकिन जो अंदर आ गया बस एक ही अंदर आया, ठीक। देखो मेम्ब्रेन में चेंज लाती है, उससे क्या होता है, ब्लॉक हो जाती है क्या, एडिशनल स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाती है। जब स्पर्म एंटर करता है कहाँ, सेकेंडरी ओसाइट में, तो भैया तब होता है कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन। मतलब अब तक भैया सेकेंडरी ओसाइट थी, सेकेंडरी ओसाइट में जैसे ही स्पर्म ने पेनिट्रेट किया, कोरोना रेडिएटा को तोड़ दिया, अब स्पर्म ने अपना न्यूक्लियस अंदर भेज दिया, तो भैया तब उस समय उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ही हमारा जो सेकेंडरी ओसाइट था वो अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करती है और उसके बाद एक मैच्योर ओवम में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो, न्यूक्लियस ऑफ ओवम एंड स्पर्म, अब जब ये ओवम बन ही गया, देखो सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुई, तो तुमको बताई थी एक बात, ये तुम्हारी जो सेकेंडरी ओसाइट थी, इसने क्या किया, सेकेंड मियोटिक डिवीजन में एक तो तुम्हारा ओवम बना दिया और एक छुटकी से दूसरी पोलर बॉडी बनाई। पहली पोलर बॉडी कहाँ बनी थी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में, उसका क्या हुआ था, ऐसे ही डिजेनरेट कर गई थी। तो भाई साहब ये भी ऐसे ही डिजेनरेट कर जाएगी, इसका कोई काम नहीं है, केवल चुनिंदा जो अच्छा है उसी को, पूरा न्यूट्रिटिव मटेरियल इसी को मिलेगा, बटेगा नहीं, क्योंकि ये छोटी है ये बड़ी है। तो भैया जो पूरा न्यूट्रिटिव मटेरियल जब इसको मिला है, तो भैया खुद से बताना किसमें, जिसमें पोषण ज़्यादा मिला है उसी की तो ग्रोथ अच्छी होगी, वही तो अच्छी होगी, यही तो ओवम अच्छा वायबल होगा, ठीक है? और ये जो वायबल ओवम है यही आगे फर्टिलाइज करेगा, तो बच्चा अच्छा पैदा होगा, उन्नत किस्म का पैदा होगा। ये भैया इंश्योर कर रहा है हमारा कौन, नेचर, ठीक। अब देखो, अब इसके बाद यहाँ पर जायगोट बन गया, देखो ध्यान देना, ये स्पर्म के ऊपर तुम्हारी जोना पेलुसिडा की कवरिंग्स थी, ठीक। अब ये जोना पेलुसिडा की कवरिंग से जैसे ही स्पर्म टकराए, कोई पहला स्पर्म टकराया,
वैसे ही इसने इसकी एंट्री, इसकी दीवार में कुछ चेंज लाया और क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब बाकी इस पर भैया बाहर ही खड़े रहो, खड़े रहो बाहर। अब ये वाला जो है ये धीरे से अंदर घुस जाएगा, ठीक, ये धीरे से अंदर घुस जाएगा। और अंदर घुसने के बाद ये इसका न्यूक्लियस था और इसका न्यूक्लियस मिलके क्या कर देगा, जाइगोट बना देगा। क्या बना देगा, जाइगोट, 2n बना देगा। क्यों, क्योंकि ये हैप्लॉइड था और ये हैप्लॉइड था, है n n मिलके 2n बना देंगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद की जो कंडीशन है वो यहाँ पर हमने दर्शाई है, धीरे धीरे इसको देख लेना, ठीक है, अभी दिखाएंगे, खुद भी समझाएंगे। अब ये जो जाइगोट है ना, अब ये जाइगोट भाई साहब क्या करता है, जाइगोट देखो माइटोटिक डिवीजन करता है। क्या अब तक मियोसिस हो गई, मियोसिस की बातें खत्म हो गई, अब हमारी जो डिप्लॉइड कंडीशन, अपनी बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड है, अपनी बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड है, केवल जर्म सेल्स जो हैं उन्हीं में मियोसिस हो रहा है, उसके अलावा बाकी सेल्स माइटोसिस ही कर रही हैं। तो भैया देखो अब यहाँ पर इस जाइगोट से फिर से माइटोसिस शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब इस 2n से एक सेल से पूरा शरीर बनाना है, पूरा बच्चे का एक एक अंग बनाना है, तो ये भैया माइटोटिकली डिवाइड करना शुरू कर देगा। देखो माइटोटिक डिवीजन करेगा जाइगोट, ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं हमें आइडिया नहीं है, आप लोग भैया डिक्शनरी से गूगल कर लेना, ठीक। अब इसके बाद देखो एक सेल, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मिटाते हैं यहाँ पे, समझाने की कोशिश करते हैं तुमको बहुत प्यार से। लोग कहते हैं कि हम समझाते नहीं, तो भैया देखना थोड़ा, हम समझा के दिखा रहे हैं तुमको, हम लंबी हो जाती वीडियो इसलिए नहीं समझाते हैं। देखो ये तुम्हारी जाइगोट थी, ठीक, ये जाइगोट एक से बन गई भैया दो, दो सेल्स बन गई, ठीक। अब यही जो दो थी यही इसके बाद बन जाएंगी, इसी में चार सेल्स। अब यहाँ पर तो तुमको दिखाने के लिए हम साइज बड़ा कर रहे हैं, लेकिन सच में साइज में डिफरेंस नहीं आता है। एक से सोलह तक साइज में कोई डिफरेंस नहीं आता है। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, आठ से सोलह तक, इस कंडीशन तक, सोलह कंडीशन तक जिसको मोरूला कहते हैं, वहाँ तक साइज में कोई डिफरेंस नहीं आता। जितना बड़ा जाइगोट होगा उतनी ही बड़ी टोटल मोरूला स्ट्रक्चर होगी, मतलब सारी सोलह सेल इतने ही बड़े, जितना बड़ा जाइगोट है इतनी ही जगह में सारी सोलह सेल्स होंगी, उसके बाद साइज बढ़ना शुरू होता है 16 से 32 की केस में, ठीक। ऐसे एक से दो, दो से चार, चार से आठ और आठ से सोलह, ऐसे मोरूला बन जाती है। देखो भैया दो चार आठ सोलह ऐसे सेल्स जो हैं इनको क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। ध्यान देना भैया साइज में कोई चेंज नहीं आता है 16 सेल्स तक, 16 के 16 से जब 32 बनती है ना ब्लास्टोसिस्ट, तब चेंज आता है, ठीक। 8 से 16 सेल्स की स्टेज जो है उसको क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। और 16 से 32 वाली को ब्लास्टुला कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं 32 सेल वाली को। 8 से 16 वाली को मोरूला कहते हैं और 16 से 32 वाली को ब्लास्टुला कहते हैं। ध्यान देना ब्लास्टुला में दो चीज, ट्रोफोब्लास्ट होती है और इनर सेल मास होता है। दो चीजें हैं ब्लास्टुला में, कौन कौन, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट का क्या करती है भैया, ये इम्प्लांटेशन कराती है। क्या ये कराती है, इम्प्लांटेशन। और इनर सेल मास जो है ये क्या कराती है, ये डिफरेंशिएट करके पूरा एम्ब्रियो बनाती है। मतलब एक इनर सेल का एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब सेल्स का एक एग्रीगेट पड़ा हुआ था अंदर ट्रोफोब्लास्ट लेयर के अंदर, ये जो है ये चिपकती है। इम्प्लांटेशन मतलब ये चिपकती किससे, एंडोमेट्रियम वॉल से, ठीक है। और ये जो है इनर सेल मास, इसके ये ट्रोफोब्लास्ट के अंदर इनर सेल मास पड़ा था, अब इससे पूरा शरीर बनना है, तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर इनर सेल मास है यही डिफ्रेंशिएट करके हाथ पैर नाक मुंह कान सब बनाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, ठीक। चलो ध्यान से देखो इधर हम जो बात बताने जा रहे हैं, देखो ये आपका ओवम था, मतलब आपका नहीं जिसका भी किसी का ओवम था उसमें ये भैया फर्टिलाइजेशन हुआ। क्या हुआ, फर्टिलाइज, देखो स्पर्म एंटर किया और इसने अपना न्यूक्लियस फेज दिया और ये जाइगोट बन गया। ध्यान देना भाई साहब, जाइगोट बन गया। अब देखो जाइगोट जो था उसका साइज देख लो और उससे दो सेल बन गई, ठीक। इन दोनों सेल को अलग अलग ब्लास्टोमियर कहेंगे, इन चारों सेल को अलग अलग ब्लास्टोमियर, इन आठ को ब्लास्टोमियर, इन सोलह को ब्लास्टोमियर, ठीक।
इससे दो बन गई, दो से चार बन गई, चार से आठ बन गई, साइज में कोई डिफरेंस नहीं आया, 16 तक साइज में कोई डिफरेंस नहीं आया। अब इस जगह की कमी के कारण हमने छोटी इसको बना दी, लेकिन ये इससे डबल बन जाती है, इसके बाद साइज में डिफरेंस आ जाता है। ये जो है भैया, ये है आपकी ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसील कैविटी है, इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, यही लेयर जाके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से चिपक जाती है। चलो यहाँ बताते हैं, देखो ये आपका ओवम था, देखो देखो ध्यान से देखो, ये ओवम था, यहाँ से निकला, यहाँ पहुँचा, ये ओवम यहाँ पहुँचा, और इधर से स्पर्म आ ही रहे थे, बढ़िया स्पर्म ने किया फर्टिलाइज, क्या किया फर्टिलाइज, और बन गया क्या जाइगोट, क्या बन गया जाइगोट। अब जाइगोट में बना क्या, दो सेल, चार सेल, आठ सेल, 16 सेल, ठीक। ये सारी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनी। पहले देखो जाइगोट बना, जाइगोट से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16। अब ये जो 16 के बाद ये जो ट्रोफो, ये ब्लास्टोसिस्ट है ना, ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ की एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग में आ करके यहाँ पर ऐसे ये ब्लास्टोसिस्ट आकर के यहाँ पर चिपक जाएगी, और ये एंडोमेट्रियम इसको मम्मा की तरह एकदम प्यार से स्वागत करके ऐसे बाहों में भर लेगा। और भैया ये जो कवर, ये इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। एंडोमेट्रियम की वॉल जो है वो ट्रोफोब्लास्ट को पूरा अंदर समा लेती है, इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक भैया। तो आज की वीडियो में फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन आपको समझा दिया, और आज की वीडियो से अगर आपको कोई भी सीख मिल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने बच्चों तक शेयर करें, जो ना भी देखना चाहे उसको भी भेज दो भाई, एकदम बढ़िया भेजो, भेजते रहो, हैं देखें अपना बढ़िया, हैं सीखें, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे भैया, हमारा जो उद्देश्य है वो भी फुलफिल होगा, आपका जो उद्देश्य है, आपके जो कर्म हैं वो अच्छे आपके साथ ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्चों तक इसको शेयर करें, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।